राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो पंखा बंद करवाया क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा, और पंखा इसलिए बंद करवाया है क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आती मेरी, इसलिए गर्मी की वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बन पा रहा। पसीने पसीने बहुत बुरा हाल है। तो आप सभी कैसे हैं बताना हमें भी, आप कमेंट करके, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप सभी कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। और अगर मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से, तो मैं देख तो लेती हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बस पूछो मत, गर्मी में बुरा हाल रहता है। किसी किसी दिन हो जाता है कि टाइम नहीं होता, तो पर देखती हूँ मैं हमेशा कमेंट में, एक एक कितने कमेंट आते हैं, थोड़े से कमेंट आते हैं तो पढ़ लेती हूँ, और ज़्यादा भी आएंगे तो भी इच्छा होती है यूट्यूबर की। बहुत सारे कमेंट आए और हम पढ़े। तो कल था, जैसे कि आप सबने अभी देखोगे, शिवा चला गया है, वो आप देखोगे। मैं अच्छे से व्लॉगिंग, जैसे कि व्लॉगिंग में मैं बताती हूँ, वो मैं नहीं कर पाई हूँ। वही सारा काम चल रहा है कि पंखा बंद हो गया, तो अब बताओ पंखे से गर्मी लग रही है, तो बगैर पंखे तो पसीने पसीने हो जाऊँगी। तो वो सब आप सब देखोगे, और मैंने कल भी सोचा था कल आप सबसे बातें करूँ, बस फिर हो गया नहीं हुआ, मतलब वो दिन ही चला गया लेकिन बात नहीं हो पाई। तो आप सभी देखोगे कि शिवा चला गया है, और कल लगे थे अत्ते, तो उसमें मैंने इतनी सी क्लिप ली है कि कल हमारे यहाँ क्या होना था, कढ़ी चावल बने थे, वो आप सब देखोगे, थोड़ी सी छोटी सी क्लिप है। उसके बाद आज क्या था, आज कूड़े बने थे, आज हमारे हुआ था भूमि पूजन, तो वो दो तीन दिन की मिला के, और आप अब देखोगे वीडियो, और आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है वीडियो तो। और हाँ, कल हम कहीं जाने वाले हैं, तो कल आप सबको वो ब्लॉग, मतलब कल जाइए परसों, जब भी जाएंगे वहाँ के अच्छे अच्छे ब्लॉग बनेंगे मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके जाया करो, तो वहाँ आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है जी। और सारे ही ब्लॉग कौन कौन जाएंगे वो भी आप सब देखोगे ब्लॉग में। और बस ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि अभी पहले ही बहुत बातें कर ली है मैंने, तो मिलते हैं आप सभी से फिर। पसीने बहुत, पंखे चला लेती हूँ, पंखे के बगैर तो बहुत बुरा हाल। शिवा तेरा मन न लगा रहा, जा रहा तू हैं हैं, मन न लगा फिर, चलो कोई बात ना। तो उसके पापा आए हैं शिवा के, और दोनों जा रहे हैं। और दीसू, दीसू है ना उदास, हमने बेर बेर पूछा बेटा कैसे उदास है तू, तो चिढ़ गया ऐसे ही दीसू के शिवा के मारे उदास। दोस्तों मैं पकौड़ी में अभी, सॉरी कढ़ी में पकौड़ी डालने वाली थी, फिर मैंने कलर, तो जैसे कि आप सभी को पता है अच्छे से नहीं आता है, वैसे तो येलो आ रहा है, इसमें हल्का हल्का व्हाइट आता है, तो बस पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। बन चुकी कढ़ी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आज रोटियाँ नहीं बनेंगी, और इतनी तेज़ खदक रही है ये देखो, क्योंकि मेरे से आज कढ़ी ज़्यादा होगी, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और चावल भी बन चुके हैं, और आप सभी को कढ़ी बस वाइट वाइट लगे, मुझे ये इसलिए बुरी लगे कि इसमें कैमरे में वाइट वाइट आ रही है और वैसे येलो है, तो बस आप समझ कैसे बताऊँ मैं कैसी है, पता नहीं। इसमें कैमरा, मेरा कैमरा सस्ता वाला है, बहुत ज़्यादा अजीब ही आवा है इसमें, तो सभी सब्जी ऐसी लगे हैं बिल्कुल वाइट वाइट सी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से, खा लेंगे सब कढ़ी वढ़ी, और हम जा रहे हैं अभी नहा लिए सुबह, फिर भी नहाने, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया है कि आज है, आज हमारे भूमि पूजेंगे, तो कचौड़ियाँ बनेंगी, तवा नहीं चढ़ेगा, पूड़ी आलू पूड़ी कुछ भी बना सकते हो, तो कचौड़ियाँ ही बेटर है। वैसे तो गर्मी इतनी हो रही है, उमस वाली बहुत ज़्यादा, और ये पूड़े बनेंगे पहले, तो पूड़ों के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, आटा भी लगा के रख दिया है, लोहे वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, और बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गर्मी बहुत हो रखी है इसलिए बस इतना ही, ज़्यादा सूट नहीं करूँगी आप सबसे, कचौड़ियाँ बना के फिर मिलते हैं। दोस्तों पूजा कर ली है मैंने यहीं पे, गांव तो नहीं गई हूँ, और ये ठाकुर जी के लिए भोग लगा दूँगी, और ये कचौड़ियाँ हैं मेरी आलू की, और पूड़े हैं, पूड़े तो मुझसे ऐसे ही बनते हैं, मैं हमेशा ही आप सबको बताती हूँ। तो भोग लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों गर्मी इतनी थी कि खड़े होने से मुझे चक्कर आने लगे थे। कुछ मतलब पूड़े और कुछ कचौड़ियाँ मैंने बना ली थी खड़े होके, फिर मैंने आराम से बैठ के नीचे कचौड़ियाँ बनाई और फिर फटाफट उतार ली थी खड़े हो गए। पहले मैं बैठ गई हूँ बेलन लेके और सारी कचौड़ियाँ मतलब बना के और तब फटाफट उतारी हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। गर्मी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, हुमस वाली गर्मी है और मुझे बहुत जल्दी चक्कर आने लगते हैं। दवाई इतनी गर्म खाई पता नहीं क्यों, दवाई तो पहले भी खाई हुई है पर अब तो इस बार तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी क्या ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। किस किस की बॉडी है ऐसी मुझे बताना, खैर मैं ही नहीं, सभी दवाई तो सभी खाते, आजकल तो बगैर दवाई के कोई चलता ही नहीं है। तो बस यही था कि मैं बैठ के फिर बना रही थी और थोड़ा सूट कर लिया था हिमांशी ने, तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया कचौड़ियाँ बनाते हुए। और बस दही और कचौड़ियाँ ही खाई थी आज मैंने, इनके साथ चटनी भी नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं किया मतलब चटनी बनाई ना सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाई। चटनी बनाती थी हरी मिर्च की और दही के साथ, और रायता इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमारे घर में बूंदी ख़त्म थी, रायता बहुत अच्छा लगता है नहीं कचौड़ियों के साथ। आलू भरे हुए थे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और चाय के साथ भी मुझे तो पसंद है। अरे ये कौन बच्चा आया है, कौन आया है, कौन बच्चा है ये? ए भाई चार्वी तू रिश्वत लेके आई है क्या? एक हमें दे दे भाई, एक दे दे। ए भाई चारू लाओ, एक मुझे दे दो भाई, भाई के दे लाओ, एक मुझे दे दो, इन्हें मत दियो मौसी को, ठीक है मुझे दे दो, मौसी को मत दियो, हम मौसी को दे दो बेटा, हम दोनों खाएंगे ले। म्याऊ चार्वी रिश्वत लेके आयो, ये मुझे भी दे दो, ताऊ जी ने दिलाई है, ताऊ जी ने दिलाया है। ये तो तूने भाई को क्यों दे दिया फिर, मुझे क्यों नहीं देना? अच्छा होना इसलिए दिया ना, है ना? चारू कैसे हो? मामा भाव कैसे, मम्मा कैसी है आपकी, मम्मा कैसी है? मैं लूंगा नुगरी, तू झूठ, तेरा झूठा है। आप बोलते हैं आप तो भाई, आप सब यही है बेटा, कह रही मेरी जर्म्स कहाँ है, सब यही है, टेंशन मत ले बेटा, खा ले ये धरी। रिश्वत ली ताऊ जी से आने की, ताऊ जी से रिश्वत लेके आई है? मम्मी कहाँ है? मिष्टी कहाँ है? मिष्टी मौसम मम्मा कहाँ है? मौसम मम्मा चार भी बहुत प्यारा बच्चा है। अब हम कैमरा बंद कर देते हैं और इससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अबे चार भी करेगी तू मेरे से अच्छी बातें, मेरी गोद में भी आएगी? चल दो भैया मैं बात कर बंद कर देती हूँ। गोबर खाई? गोबर खाई, गोबर खाई नहीं उठाई है, गोबर उठा के आई, गोबर उठा के उपले भी बना के आई, उपले बना के आई ना, गोबर उठा के आई भाई, ये लड़की बहुत मेहनत करती है भाई, गोबर उठा के आई है। तो दोस्तों इसकी अच्छी अच्छी बातें अब हम ही सुनेंगे आपसे, बस यही शेयर किया, अभी अभी आई है ये, हमारे फैंसी बच्चे, इन्होंने आते ही हमारे पूरे दिन एसी नहीं चला, आते ही कैसे कह रहा है चारों बालों में हाथ लगा के कह रही गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, एसी चला दो, अपने आप ही कहने लगी गर्मी लग रही है एसी चलाओ। कहाँ गर्मी कहाँ लग रही है बेटा? बालों में गर्मी लग रही है, बालों में हाथ लगा के, अब ठीक है एसी चल गया, अब ठीक है लग रही गर्मी, देखे मतलब अभी ठंडा नहीं हुआ ना, अभी चला ही है, अब आ रही है ना ठंडी हवा, आ रही है ना अब ठंडी हवा आने लगी, एसी पे टांगे गए इसे। भाई बच्चे और हमने पूरे एसी, बच्चे भाई ये पूरे एसी में रहने वाले बच्चे हैं।